मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये ख्याल हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी आया ही होगा। यही सवाल मेरी जिंदगी में था जब 2020 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं ही क्यों। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गार्गी सागर, 32 ईयर्स ओल्ड। मेरा ग्रेजुएशन पुणे से हुआ। इवेंट इंडस्ट्री का सपना लेकर गोवा जैसे सुंदर प्रदेश में आई। आपने हम सफर से मिली एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया और अपनी इवेंट कंपनी फर्म की अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। बहुत अच्छा चल रहा था, खूबसूरत जिंदगी है। कोविड का समय आया 2020। ये हर किसी की जिंदगी का एक ऐसा हकीकत है कि कोई भूलना भी चाहे तो भूलेगा नहीं। जब हम पूरी दुनिया कोविड के कोहराम से लड़ रही थी, वही मेरी जिंदगी मेरे परिवार के साथ एक दूसरी जिंदगी की तरफ चल रही है, ब्रेस्ट कैंसर। मेरा पहला बिग फील ये था कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया 29 ईयर्स ओल्ड दैट आई हैव अ कैंसर विद माय स्मॉल बेबी, शी वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड। आई वाज नॉट नोइंग कि मैं क्या करूँगी, बट बीइंग इन अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड, वी सेड हम कर लेंगे, हम जरूर कर लेंगे। मैंने ये सोचा अब मेरे सपनों का क्या होगा, मेरी नन्ही सी जान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। पर कहते हैं ना, जब परिवार साथ हो तो आप कोई भी जंग जीत लेते हो, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। यही मेरे साथ हुआ। मेरी कैमो के सफर, जिंदगी का सफर चालू हो गया एंड आई वेंट टू अ वेरी हाई एंड कैमोस। एक कैमो हुए, दो कैमो हुए एंड आई जस्ट एक दिन में उठी और मैंने अपने तकिए पे अपने बालों का गुच्छा पाया एंड आई सॉ माय बेबी वाज प्लेइंग विद माय हेयर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, लेट्स गो टू द सैलून एंड आई क्लीन माय शेव। दैट वाज माय सेकंड बिग फील, जहां मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, एक लंबे घने बाल को क्लीन शेव कराया। थर्ड ब्रेक की ये था कि मैंने ये सोचा मेरी बेटी, 1.5 साल की कैसे एक्सेप्ट करेगी। And she hugged me and she said, "Mama, this is your new hairstyle, and it gave me so much of energy that yes, now my baby is ready to say thank you to me. I actually love her so much." बोलते हैं कि कैंसर का दौर जो है कैंसर पेशेंट्स के साथ नहीं, उसकी फैमिली के साथ होता है। कैंसर पेशेंट एक मेंटली एंड फिजिकली की गुजरता है तो पूरा फैमिली एक फाइनेंशियली एंड मेंटली उस दौर से गुजरता है। 2 मेजर सर्जरीज, 8 एडवांस केमोस एंड 31 रेडिएशन का सफर 2021 फरवरी में खत्म हुआ। अब क्या, इवेंट इंडस्ट्री को शुरू होने में काफ़ी टाइम था। अब करें तो करें क्या। तब एक रैंडम कॉल मुझे आता है, वो कहता है, मैम क्या मुझे टिफिन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मुझे कोविड हुआ है एंड कोई भी रेडी नहीं है। एंड विदाउट अ थॉट मैंने कहा जरूर। उस साल मेरा रेडिएशन चल रहा था और इमीडिएटली आई हैव स्टार्टेड वन टिफिन टू टू थ्री एंड सर्व कोविड पेशेंट नॉट मोर टोटल 50 टिफिन एवरी डे। That was a good news कि कोविड जा रहा था, बट वही कोशिश भी कहीं ना कहीं धीमा पड़ रहा था। इवेंट इंडस्ट्री को फर्म किया हस्बैंड के साथ, सिर्फ क्लाइंट और हस्बैंड जानते थे कौन है गार्गी सागरकर। बट अब ये सोच रहे कि अब मुझे कौन जानेगा, अब मैं इस दुनिया से निकलूँ कैसे। तो मैंने अपने आप में करेज गैदर किया, ठीक है कोविड जा रहा है, दैट्स गुड, टिफिन कम हुए, दैट्स फाइन, बट अब क्या। तब मैंने एक गूगल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और वहीं उस टाइम मेरी फर्स्ट क्लाइंट है कॉर्पोरेट की रोहिणी, जो कि फेसबुक पर ने मुझे एक ऐड डाला कि मुझे कॉर्पोरेट मिल चाहिए एंड मैंने क्लिक हुआ व्हाट इज कॉर्पोरेट मीन एंड आई अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंड फ्रॉम दैट फ्रॉम टुडे आई एम सर्विंग 200+ टिफिन सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट 365 days non-stop. That was my more great feat where I have not died by whole ship. And my whole ship is still going on. And that is the thing, today I'm running the event industry with my husband. I'm running my whole ship by AGP very proudly. I have given opportunities to pin
women who are trying to come up and showcase their products. So for me, the inspiration is myself. For me, the inspiration is my daughter for me, my husband for me, and today I am so proud that I am an inspiration for everyone. Thank you so much.